Hello guys, this is sound quality issue. So आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रैंक कुछ कैसे करें। सारे रियल में बंदे बैठे हैं ना, ये बहुत सारे हीरो बैठे हैं, ये ना हैकर लगे खेलते हैं साले। सॉरी गाइस, ग्रैंड मास्टर में। तो आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ कि कैसे रैंक कुछ करें। तो चलिए आपको मैच में मिलता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा मैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और आप सब मेरे को कमेंट करके बताना है ये बच्चे क्या है, जो आपको भी निकालना सीखना है या नहीं सीखना है। तो वैसे एक बार कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें बहुत दूर की जगह उतरना पड़ेगा, बहुत ही दूर की। तो चलो मैं उतरूँगा। तो गाइस, मेरे को कोई अच्छी जगह तो देखने की, मैं सोच रहा हूँ कि इधर निकल चलते हैं। लेकिन गाइस, इधर भी मैं सेफ रह कर निकलूँगा, ऐसा नहीं कि गाइस मैं उड़ के चल जाऊँ डायरेक्ट। तो गाइस बहुत सेफ रह कर खेलना पड़ता है अगर हमको प्रॉपरली रैंक पुश करना का है। तो आपको हमेशा सतर्क सावधान रहना होगा, कभी भी एनिमी कहीं से भी आ सकता है गाइस, एनिमी का कोई भरोसा नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए यार अभी तो मैं फटाफट से पहुंच जाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आपको अपने आसपास देखता रहना है, और आपको लोड आउट में स्कैनर और बाउंटी टोकन ला सकते हो और बोनफायर। मैं आपको बाद में मिलता हूँ। तो गाइस, बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा था, तो गाइस इसलिए मैं वीडियो को कट कर दिया था, लेकिन अब हमने वीडियो कंटिन्यू कर दी है। तो भाई, सबसे पहले आपको अच्छे से लूट कर लेनी है, तो मैं आपको पहले लूट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस, तो यहाँ पे एनिमी आ चुका है। गाइस, वहाँ पे एनिमी है, हमको स्पोर्ट कर रहा है, हमको डैमेज देने के लिए मैंने कोशिश भी की थी। तो गाइस, ऐसे में आपको बिल्कुल फाइट नहीं लेना है। अगर एनिमी आपके ऊपर चढ़ के आ रहा है तो थोड़ा देखिएगा, मैं ना थोड़ा इधर से कवर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसे तो हमको स्टार्टिंग में फ़ाइट नहीं लेनी चाहिए, तो मैं भी फ़ाइट नहीं लूँगा। और आपको अब हमेशा अपनी फेवरेट गन से ही खेलना है, ठीक है गाइस? अपनी फेवरेट गन में तो मत छोड़ना, उसको उठा लेना। तो इधर अभी अपन पैर भी चढ़ के भागते हैं, स्टार्टिंग के फाइट इग्नोर करना। स्टार्टिंग में फाइट करने से कोई प्रो नहीं बन जाता, ठीक है गाइस? अगर माइनस लग जाएगा तो फिर समझ में आएगी तुमको, तुम्हारी प्रोग्री निकल जाएगी। तो ऐसा ही था कुछ। गाइस, मेरे को ऐसा लगता है कि बंदा पास में आ चुका है, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करूँगा अभी। तो अभी मैं थोड़ा सा देखने दो गाइस। गाइस, तो अभी मैं वेंडिंग मशीन को पूरी तरह से लूट लिया हूँ, तो अभी भी हमारे पास कुछ टोकन तो बचे हैं, लेकिन उनको हम सही इस्तेमाल करेंगे। चलिए पहले मैं जोन में चला जाता हूँ। तो गाइस, उस साइड एनिमी था, तो मैं पूरा सर्कल मार के इधर से भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है, मेरे को बिल्कुल टॉप करने का है। तो आप भी मत लीजिएगा रिस्क गाइस, मेरे को और ऐसा कर लेने का ही नहीं है, आपको भी रिस्क नहीं लेने का है। एनिमी एनिमी गाइस, एनिमी दिखे, इग्नोर इग्नोर इट। अरे ऐसा सोचो ना, बंदा ही तो है, क्या कर लेगा हमारा एनिमी, है ना? एकदम डरना नहीं है आपको। एक्सपेंशन पे अगर आप चाहो तो डाउनलोड रखो, ना तो आप देख रखो। बस बैकग्राउंड में नॉइज़ बता रही होगी आपको, माफ़ करना बस, आज मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है।
हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट गाइस, मुझे टाइम की बहुत कदर है। और गाइस दिया पता नहीं राइस्टा जैसी वॉइस कैसी लग रही है आपको गाइस, क्या आपको इस वॉइस के ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसा मैं इस वॉइस ओवर को यूज़ करता हूँ, मैं पूरा पूरा समझा दूँगा आपको कैसे क्या इसको यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। तो मेरी लूट वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो अभी मैं ऐसे सेफ जोन में चले जाता हूँ। सबसे पहले तो इस सेफ जोन सबसे पहले कवर करना गाइस, मेरे को लगता है गाइस कि यहाँ पे कोई बंदा बैठा हो सकता है, यहाँ से चेक कर लेते हैं गाइस। नहीं गाइस कोई नहीं बैठा है, तो चलो हम निकलते हैं सेफ जोन के लिए। मैं कवर ले लेता हूँ उसके बाद आपसे वीडियो में बात करता हूँ। तो गाइस बहुत ही सेफ लोकेशन पकड़ ली हमने, यहाँ पे एकदम सही बैठे हैं। तो गाइस अभी तक तो कोई बंदा दिखा नहीं है, लेकिन अगर अरे वो रहा हो रहा, तो मैं अभी भी अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि उसको इस साइड आना पड़ेगा, और अगर मैं निकला तो उसको फिर शक हो सकता है, वो लोग लगा लेगा, तो उसको थोड़ा रेंज में आने दो गाइस, फिर पीटेंगे। मेरे को लगता है ये बंदा मशरूम खाने वगैरह के लिए रुकेगा। ओ गाइस पत्थर के बजाय, नहीं नहीं छोड़ो। अरे गाइस देखो बंदे को देखो गाइस, पीट देंगे गाइस इस बंदे को, आप टेंशन मत लीजिए। इमोट दिखाता है सारा चूतिया आज, मेरी इस केस का हेड नहीं जाता है। कोई नहीं इस बंदे को तो आज मैं लेके ही जाऊंगा, नहीं जाएगा गाइस। हमारे बिप्सन पेट की अबिलिटी नहीं लगा रखी, हम नहीं पहुंचा सकते जन्नत वहां तक। अरे ऊपर भी गाइस फाइट चल रहा है, तो मुझे ऊपर का तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, तो मैं नीचे डिफॉल्ट है मेरे को। अरे बड़ा ग्लू वॉल से लगा पड़ा, लेकिन कोई ये नहीं दिख रही गाइस। ये बंदा तो गया, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब इसको जोन के लिए निकलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गाइस नहीं में होगा तो ज़रूर निकलेगा। लगता है बंदा नहीं निकलेगा, मेरे को ही निकलना पड़ेगा गाइस सेफ जोन। तो गाइस अभी हम सेफ जोन में तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एक एनिमी दिख चुका है नीचे की साइड। ओ भाई भाई कौन सी गन चला रहा है, अरे कोई सा ग्रेनेड भी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो गाइस हमारे पास एक तरीका है, सब पेन पीछे रख के भागते हैं, और अभी वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं तो गाइस इस बंदे को लेके जाने का सोच रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी बैकअप कर रहा हूँ कि मैं फाइट इग्नोर करूँगा बस। अगर मैं अच्छे से इग्नोर करूँगा तो इग्नोर होगा ही ना फाइट, तो अगर मैं इग्नोर करने का बस सिर्फ बोलता हूँ और करता नहीं हूँ, तो आप में से कोई थोड़ी इग्नोर करेगा। तो गाइस अब आप सोच रहे हो तो टॉप 7 आ गया, अब भी क्यों फाइट इग्नोर कर रहा है, तो टॉप 7 में है ना गाइस, तो फिर क्यों फाइट इग्नोर कर रहा है। तो मैं बताऊंगा गाइस सब कुछ करना पड़ता है गाइस, प्लस चाहिए तो सब कुछ करना पड़ता है। ये मैं सारे बंदों को देख रहा हूँ, सारे बंदे गायब हो जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ गाइस सेफ जोन में अभी। ये पत्थर, अरे रे 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 मुंडी दिखाओ जरा। तो गाइस एक बंदे की मुंडी तो दिख रही है, बस तोड़ेंगे भी हम। इसकी मुंडी गाइस अच्छे से, एक बार कोई बंदा हमारे पास आ गया गाइस, साउंड आ रही है मेरे को एनिमी की। डबल रिएक्टर चलाएगा नूब, तेरे जैसे तो 7-7, 8-8 रोज मेरे घर के बाहर लैट्रिन साफ करने आते हैं। वेट मेरे को डबल रिएक्टर वालों से नफरत है, पता नहीं गाइस कौन सी गन चलाया बंदा, लेकिन कसम से गाइस ओवर टाइट कर दिया।
से निकलो। अरे गाइस ये मैसेज भी इसी टाइम पे आना था। अरे मैं कैसे निकला सेव जोन। ओ गाइस मार दिया। अरे लेकिन गाइस हम टॉप 3 में आ चुके हैं, कोई बात नहीं गाइस। इस बंदे का अकेले, ये तो कैंपर था गाइस, पूरी कैंपिंग वैम्पिंग करके आया हुआ था, तो कोई बात नहीं गाइस। अभी हम करते हैं बैक। +47 तो इसी तरह यार गाइस आप भी रिंग पुश करिए और अच्छे से करिए। तो जय हिंद गाइस, बाय बाय।